मोतीलाल वोरा जी, अशोक गहलोत जी, साहू जी, एआईसीसी के हमारे सब ऑफिस बेयरर्स, स्टेट से आए हुए डेलीगेट्स, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों और जो हमारे कार्यकर्ता सेल्फी ले रहे हैं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। चलो मैं आपको आज शुरुआत एक कहानी से करना चाहता हूं। सालों पहले, 3-4 साल पहले, मैंने अखबार में एक कहानी पढ़ी। कहानी में लिखा था कि हिंदुस्तान से फैशन डिजाइनर फ्रांस गए और फ्रांस में हिंदुस्तान के फैशन डिजाइनर्स ने अपने कपड़े दिखाए और जब हिंदुस्तान के फैशन डिजाइनर्स ने अपने कपड़े दिखाए तो फ्रांस के जो फैशन डिजाइनर्स थे, इंग्लैंड के जो फैशन डिजाइनर्स थे, अलग अलग देशों के, अमेरिका के जो फैशन डिजाइनर्स थे, उन्होंने हिंदुस्तान के फैशन डिजाइनर्स का मजाक उड़ाया, हंसे और मजाक उड़ाया। मुझे काफी हैरानी हुई कि पहली बार हमारे फैशन डिजाइनर, एक फैशन डिजाइनर गया, उनके सामने अपने कपड़े दिखाए और उधर उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। थोड़ा मैं आपको सच बताऊं तो थोड़ा गुस्सा भी हुआ, इरिटेशन भी हुआ, ये क्या हो रहा है। और फिर मैं उस कहानी को भूल गया। एक दो साल बाद मैं एक फैशन डिजाइनर से मिला जो उस शो में था और मुझे वो कहानी याद आई, तो मैंने उससे कहा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। उसने कहा, पूछो। मैंने कहा, मैंने कहानी पढ़ी थी, फैशन शो के बारे में कहानी थी, आप लोग बैठे हुए थे और हिंदुस्तान का एक फैशन डिजाइनर आया और उसने अपने कपड़े दिखाए और आपने पब्लिकली उनके बारे में गलत बोला और मैं हिंदुस्तानी हूं, मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं, मगर सुनिए, अभी मजा आएगा। मैं हिंदुस्तानी हूं और मुझे अच्छा नहीं लगा। वो मुझे कहता है, मुझे वो शो याद है। और फिर मैंने उससे कहा, मैं आपको सीधी बात बता दूं, शायद आपको अच्छी ना लगे। उसने कहा, बताओ। मैंने कहा, सच्चाई ये है कि पहली बार आपके सामने ब्राउन चमड़ी, मतलब जो गोरा नहीं है, ब्राउन चमड़ी का कोई व्यक्ति आया, आपके सामने खड़ा हुआ है और उसने अपने कपड़े आपको दिखाए, इसलिए आप इस बात को सह नहीं सके और आपने उसका मजाक उड़ाया। वो हंसने लगा। फिर वो मुझे कहता है, आपने अपनी बात मुझे बोली, आपने अपना सच मुझे बोला, आप अपना सच सुन सकते हो, आप क्या मुझसे हिंदुस्तान का सच सुन सकते हो?
मैंने कहा क्यों नहीं सुन सकता हूं? कहता है मैं आपको सच समझाता हूं, गुस्सा मत होना, क्योंकि आज मैं आपको अपने देश की, आपके देश की सच्चाई बोलने जा रहा हूं। मैंने कहा क्या बोलेगा? मुझे लगा भी क्या बोलेगा। मुझे कहता है राहुल जी, दुनिया मुझे फैशन डिजाइनर कहती है, मगर मैं फैशन डिजाइनर नहीं हूं, मैं एक दर्जी हूं। बात समझे, मैं फैशन डिजाइनर नहीं हूं, मैं दर्जी हूं। और जब मैं कपड़े को देखता हूं, मुझे आप कोई भी कपड़ा दिखा दो, किसी भी रंग का कपड़ा दिखा दो, जैसे ही मैं कपड़े को देखता हूं, मैं कपड़े को समझ जाता हूं, इसको कैसे काटना है, इसको व्यक्ति के कंधों में कैसे डालना है, कौन सा रंग कहां जाना चाहिए। ये मेरा हुनर है, ये मेरा काम है, इसको मैं समझता हूं। और मैं आपको कह सकता हूं कि मैं अपने काम को, अपने हुनर को बहुत अच्छी तरह समझता हूं, गहराई से समझता हूं। अब आप अच्छी तरह बात सुनिए, जिस व्यक्ति को आपने हमारे पास भेजा वो दर्जी नहीं है। जब वो व्यक्ति स्टेज पर आया, हम दर्जियों को दो मिनट में समझ बात आ, आज बात समझ आ गई कि इसको कपड़े के बारे में कुछ नहीं मालूम। जिस प्रकार से ये कपड़े को पकड़ रहा था, हमें मालूम था कि इसको कपड़े के बारे में मालूम नहीं है, मगर जिस कपड़े को वो पकड़ रहा था वो कपड़ा बहुत सुंदर था। राहुल जी, उस कपड़े को एक दर्जी ने बनाया था, वो दर्जी इस व्यक्ति के पिछले कमरे में छुपा हुआ है। उस दर्जी को आप बाहर निकालिए, पेरिस फ्रांस भेजिए, हम ताली बजाएंगे। मगर अगर आप हमारे सामने ऐसे व्यक्ति को भेजोगे जो अपना काम नहीं समझता है, तो हम उसका मजाक उड़ाएंगे। हमने उस व्यक्ति का मजाक इसलिए नहीं उड़ाया क्योंकि उस व्यक्ति की चमड़ी गोरी नहीं थी। हमने उस व्यक्ति का इसलिए मजाक उड़ाया क्योंकि वो व्यक्ति दर्जी नहीं था। मतलब हिंदुस्तान में जो काम करता है वो पिछले कमरे में छुपा रहता है। जो दर्जी का काम करता है, धोबी का काम करता है, बढ़ाई का काम करता है, वो छुपा रहता है पीछे वाले कमरे में। काम कोई करता है, फायदा किसी और को मिलता है। यह है हिंदुस्तान की सच्चाई। हुनर, स्किल्स किसी के पास और फायदा किसी और को। अगर आप हिंदुस्तान को समझना चाहते हो, आप इस एक बात को समझ लो, जहां भी आप देखोगे जो काम करता है, जो खून पसीना देता है, जिसके पास स्किल्स हैं, उसको हिंदुस्तान रिवॉर्ड नहीं करता है। कहीं भी देख लो, किसानों की ओर देखो, दिन भर किसान काम करेगा, मगर नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस में आपको किसान कभी नहीं दिख सकता है। एनपीए शायद 10 लाख करोड़ रुपए के हो गए हैं। एक साल में प्रधानमंत्री जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपया 15 उद्योगपतियों को दिया है। किसानों को प्रधानमंत्री जी ने
उनके काम के लिए एक रुपया नहीं दिया है। कर्जा माफ होगा तो 15 लोगों का, किसान आत्महत्या करेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, उनके बच्चे मरेंगे, मगर कर्जा माफी उनकी नहीं होने वाली। फायदा किसी को, हुनर काम किसी और का। दो तीन और उदाहरण देना चाहता हूं। कोका कोला कंपनी का नाम सुना है आपने? यहां पर कोई व्यक्ति है जिसने कोका कोला कंपनी का नाम नहीं सुना हो? सबने सुना है। अब आप मुझे बताओ, कोका कोला कंपनी को किसने शुरू किया? कौन था ये, कोई जानता है? मैं आपको बताता हूं कौन था। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। वो अमेरिका में शिकंजी बेचता था, पानी में चीनी मिलाता था। उसके एक्सपीरियंस का आदर हुआ, हुनर का आदर हुआ, पैसा मिला, कोका कोला कंपनी बनी। मैकडॉनल्ड्स कंपनी का नाम सुना होगा आपने? मैकडॉनल्ड्स कंपनी का नाम सुना, सब जगह दिखती है मैकडॉनल्ड्स कंपनी। इसको चालू किसने किया, क्या करता था वो, कोई बता सकता है मुझे? ढाबा चलाता था, ढाबा चलाता था। आप मुझे हिंदुस्तान में वो ढाबा वाला दिखा दो, वो ढाबा वाला दिखा दो जिसने कोका कोला कंपनी बनाई हुई। कहां है वो? फोर्ड कंपनी का नाम सुना है? मर्सिडीज कंपनी का नाम सुना है? होंडा कंपनी का नाम सुना है? इन तीन कंपनियों को किसने चालू किया, किसने शुरू किया इनको? कौन था वो? मैकेनिक था, मैकेनिक। फोर्ड मैकेनिक था, होंडा मैकेनिक था। आप मुझे हिंदुस्तान की वो ऑटोमोबाइल कंपनी दिखा दो जिसको मैकेनिक ने शुरू की हो, बताओ कहां है वो? ये नहीं है कि हमारे लोगों में समझ नहीं, ये नहीं है कि हमारे ढाबे वालों में शक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं, ये नहीं है कि हिंदुस्तान के मैकेनिक्स में वही क्षमता नहीं है जो फोर्ड में थी या मर्सिडीज में थी, नहीं, ये नहीं है। ये है कि अगर फोर्ड के लिए बैंक के दरवाजे खुले हैं, अगर मर्सिडीज के लिए दरवाजे खुले हैं, अगर मैकडॉनल्ड्स चलाने शुरू करने वाले के लिए दरवाजे खुले हैं, तो हमारे ढाबे चलाने वालों लोगों के लिए, हमारे मैकेनिक्स के लिए, हमारे बढ़ईयों के लिए, हमारे धोबियों के लिए, बैंक के रोजगार, बैंक के और राजनीति के दरवाजे बंद हैं। मतलब जो ढाबा चलाता है, जो मैकेनिक का काम करता है, जो मटके बनाता है, जिसको हम कारीगर कहते हैं, उसको ये देश कुछ नहीं देता है, इतना भी नहीं देता है। और फिर देश कहता है कि भैया देश में रोजगार नहीं है। मोदी जी कहते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हिंदुस्तान में स्किल्स की कमी है, जानकारी की कमी है, हमें युवाओं को जानकारी और स्किल्स देनी है। यह सरासर झूठ है। हिंदुस्तान में कोई स्किल्स की कमी नहीं है, ओबीसी वर्ग में स्किल्स भरी हुई है, जहां देखो, जहां देखो भरा हुआ है। सच्चाई यह है कि आप में जो हुनर है उसका आदर नहीं है। सच्चाई यह है कि बैंक के दरवाजे आप लोगों के लिए बंद हैं,
राजनीति के दरवाजे आप लोगों के लिए बंद हैं। लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी के ओबीसी एमपीज मेरे पास आए, सच बताऊं, बाथरूम के सामने मैं निकल रहा था, उन्होंने मुझे रोका, नाम नहीं बता सकता, नाम बता दिया तो मोदी जी आउट कर देंगे, मगर चार पांच आए और मैंने उनसे मजाक में पूछा, भैया बताओ क्या हो रहा है। एक मेरा हाथ पकड़ता है, कहता है राहुल जी मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है, मैं इनको लाया, मैंने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और आज मैं लोकसभा का सांसद, नरेंद्र मोदी जी मुझे एक शब्द नहीं बोलने देते, मैं उनके सामने जाकर बोल भी नहीं सकता हूं और मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं, ये सब डरे हुए हैं, इनके दिल में, सबके दिल में ये है। हम लोकसभा में बैठे हैं, विधानसभाओं में बैठे हैं, मगर हमारी यहां कोई बात नहीं सुनता, बात सिर्फ आरएसएस की सुनते हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी में और बीजेपी में फर्क क्या, मैं आपको बताता हूं। बस चलती है, कांग्रेस पार्टी लोगों को बस में डालती है और फिर बस की चाबी जनता को दे देती है और कहती है भैया देखो चलाओ। बीजेपी की बस में, बीजेपी के लोगों को बस में बैठाती है, कहती है भैया तुम लोग चुप हो, एक शब्द मत बोलो, और आरएसएस बस को चलाती है। मतलब ये कौन सी शक्ति है जो हुनर को और रिवॉर्ड को, फायदे को अलग करती है, ये शक्ति का नाम आरएसएस है और आज ये आपको बांटने में लगे हुए हैं। आज इनका लक्ष्य है कि पूरा का पूरा ओबीसी वर्ग चित्रों में बढ़ जाए, अलग 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 हो जाए कि अपनी मांग नहीं रख पाए, कि इनकी जो शक्ति है ये पूरी फैल जाए, खत्म हो जाए। हम आपको राजनीति में लाना चाहते हैं और हम आपको बस की चाबी देना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान को आगे ले जाना है तो 50-60% आबादी, 50-60% आबादी की इज्जत करनी पड़ेगी, बैंक के दरवाजे उनके लिए खोलने पड़ेंगे और उनको और उनकी शक्ति को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यह हम में और उनमें फर्क है और आप देख लेना बीजेपी में सिर्फ एक व्यक्ति बस को चलाएगा, वहां ना किसी को पूछेंगे, एक बार आप बैठ गए फिर नरेंद्र मोदी जी और मोहन भगवत जी बस को चलाएंगे और पूरा का पूरा फायदा 15-20 लोगों को जाएगा, उसमें ना किसान की चलेगी, ना दलित की चलेगी, ना आदिवासी की चलेगी, ना ओबीसी की चलेगी, ना गरीब की चलेगी, चाहे वो जनरल कास्ट का हो, चाहे वो ओबीसी हो, अगर वो गरीब हो उसकी भी नहीं चलेगी, वहां सिर्फ 15-20 सबसे अमीर लोगों की चलेगी। और सौदा बड़ा सीधा है, 20-25 लोग हजारों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग में लगाएंगे और नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की सरकार को उनके लिए चलाएगा, यह सच्चाई है। अब 4 साल हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार, हिंदुस्तान के बड़ाई,
नाई, मोची, धोबी, दलित, गरीब सब देख रहे हैं, कह रहे हैं भैया ये हुआ क्या। प्रेस वाले भी देख रहे हैं, कह रहे क्या हो गया। कांग्रेस पार्टी के समय में जो भी हमें हम कहना चाहते थे हम कह देते थे, उल्टी सीधी बात भी कर देते। कांग्रेस पार्टी के लोग कहते थे ठीक है ठीक है ठीक है बोलो। आज हम भी खोल के अपनी बात नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से आज हिंदुस्तान बीजेपी के दो तीन नेताओं का और आरएसएस का गुलाम बन गया है। खुशी की बात है और यह हो रहा है और इसको कोई रोक नहीं सकता है कि पूरा का पूरा ऑपोजिशन, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, जनता दल हो, पूरा का ऑपोजिशन एक साथ खड़ा हो रहा है। और आप देखना, चाहे वो 6-7 महीने में हो या 1 साल में हो, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, मोहन भगवत जी को हिंदुस्तान की शक्ति दिखाई दे जाएगी। उनको समझ आ जाएगा कि हिंदुस्तान को 3 लोग नहीं चला सकते हैं, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की युवा ही चला सकती है, युवा ही चला सकते हैं। बड़े बड़े वायदे किए, मेक इन इंडिया, 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, 8 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। आज प्रधानमंत्री जी रोजगार की बात नहीं करते हैं, आज प्रधानमंत्री जी स्किल्स की बात नहीं करते हैं, आज किसानों की बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मैं आपको स्टेज से आश्वासन दे सकता हूं, और अशोक गहलोत जी ने कहा है, ये पहली बार मीटिंग हुई है। इस मीटिंग का कारण है और इस मीटिंग का लक्ष्य है। आपके चेयरमैन ने एक बात बोली, आपने कहा कि थोड़ी सी जगह ओबीसी को भी कांग्रेस में मिलनी चाहिए। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। ये जो थोड़ा सा शब्द है इसको आप निकाल दीजिए, परे कर दीजिए। हम आपको थोड़ी सी जगह नहीं देंगे, हम आपको थोड़ी सी जगह नहीं देंगे, जो आपका हक है वो आपको कांग्रेस पार्टी देगी। और जहां भी आपको हमारी जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े हैं। हम आपको विधानसभाओं में, लोकसभा में, राज्यसभा में लाना चाहते हैं, मगर हम आपको बस के पीछे डू नॉट डिस्टर्ब साइन के साथ नहीं लगाना चाहते हैं। हम बस की चाबी आपको देना चाहते हैं। यह मेरा आपके लिए मैसेज था। एक साथ हम काम करेंगे, आपकी जो मांगे हैं, आप जानते हो कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों आपके लिए काम किया है, चाहे वो रिजर्वेशंस की बात हो, शिक्षा में रिजर्वेशंस की बात हो, इन सब चीजों में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और जो आज बीजेपी कर रहा है, चाहे वो बैकलॉग हो, उन सब मुद्दों पे हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप दूर दूर से आए हैं, आप हिंदुस्तान की शक्ति हो। कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।